हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु वर्मा, आपका यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी स्टैनो के ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हमारा फर्स्ट डे है स्टैनो के बारे में, हिंदी स्टैनो एक्चुअल में होती क्या है, तो उसी के बारे में जानने के लिए आज में पहला दिन है स्टैनो का, कि किस तरीके से मतलब स्टैनो लिखते हैं, होती क्या है और स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे फॉलो करना चाहिए जिस तरीके से हम एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन सके। तो आइए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि हिंदी स्टेनो होती क्या है। हिंदी स्टेनो एक्चुअल में एक ऐसी शॉर्ट लैंग्वेज होती है जो कि कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है। कोड लैंग्वेज कैसे, इसके कुछ सिंबल्स डिफाइन होते हैं और इसकी इसके जो भी मतलब ज़रूरत कैसे पड़ती है। जैसे कि अगर हम कोई भी स्पीच लिखना चाहें तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि उसको हिंदी में हम तुरंत ऐसे लिखने लग जाएं, ऐसे तो बहुत टाइम लगता है। बट अगर वहीं अगर हिंदी स्टैनो की बात करें तो उसमें क्या है कि हम जल्दी से कोई भी स्पीच जो है जल्दी जल्दी से लिख सकते हैं, जिससे कि हमारा टाइम भी बचेगा और वो स्पीच भी आराम से लिख जाएगी। तो आइए इसका आज इंट्रोडक्शन देखते हैं कि किस तरीके से फॉलो करना है। और आज जैसा कि पहला दिन है, आज से जो है इसकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आगे चल के इसके वाक्यांश और हिंदी के आउटलाइन जो कि टफ होती है हमारी और जो रिपीट होती है, उनको शॉर्ट में किस तरीके से हम लिख सकते हैं और वो भी समझाने के साथ में। ऐसा नहीं कि अगर आउटलाइन बनाई उसको डायरेक्टली ऐसे लिखा के चला जाऊँ, ऐसा नहीं, उसके बारे में भी समझेंगे किस तरीके से आउटलाइन बनती है और कैसे इस पर वर्क करना है। तो देखिए, जैसा कि हमारा जो इसको हिंदी में बोलते हैं हिंदी आंसू लिपि, जो कि इंग्लिश में शॉर्ट स्टेनोग्राफर हम बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है इसकी अगर हम स्टेप की बात करें हिंदी शॉर्ट हैंड की, तो सबसे पहले हमारा वर्णमाला आता है, उसके बाद आता है हमारा शब्द चिन्ह, उसके बाद आते हैं हमारे आंकड़े, आंकड़े के बाद आते हैं वाक्यांश, वाक्यांश के बाद आती है हमारी नकल। तो इसी के थ्रू अब हम देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे अगर हम फर्स्ट स्टेप वर्णमाला की बात करें, तो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स होने चाहिए। सिंबल्स वर्णमाला का मतलब, जैसे कि जो भी हमने बचपन में सीखा होगा काखा गाघा, उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं, उसी के बेस पर बिहाव पर ये जो हमारी शॉर्ट हैंड बनाई गई है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वर्णमाला की, तो वर्णमाला के अंदर हमारे टू पार्ट्स डिवाइड है, जैसे कि स्वर और व्यंजन। स्वर का मतलब होता है कोई भी मात्रा, मात्रा कैसे, जैसे हो गई हमारी ए हो गई, आ हो गई, ई हो गई, इस तरीके से ये हमारी क्या होती है, ये हमारी स्वर कहलाते हैं। और अगर मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया होगा कि बचपन में हमने सीखा होगा का खा गा गा बोलना, जैसे ये हमारा हो गया का खा गा आदि, इन सबको हमारा व्यंजन कहा जाता है। इसी के बेस पर हम शॉर्ट हैंड को लिखना सीखते हैं किस तरीके से, मतलब कोई भी अगर हमारे सामने शब्द आ जाए, अगर कोई लॉन्ग शब्द आ जाए उसको कितने शॉर्ट में हम लिख सकते हैं, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमें वर्णमाला भी जान लेनी चाहिए कि किस तरीके से इनके सिंबल्स डिफाइन होते हैं, किस डायरेक्शन में हमें कौन सा व्यंजन बनाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमारे इसमें कुछ लाइन रेखा से रिलेटेड कुछ हमारे जो हैं वो सिंबल डिफाइन होते हैं, और कर्व में, तो उसी का हम सीखने वाले हैं। जैसे कि पहले अगर मैं वर्णमाला की बात करूँ, इसमें हम सीखेंगे पहले व्यंजन, क्योंकि व्यंजन में हमारे जो हैं वर्णमाला में आते हैं, तो पहले हमको पता होना चाहिए कि वर्णमाला में होता क्या है और किस तरीके से हमको सीखना है। उसके बाद में मैं सेकेंड थिंग स्वर की बात करूँगा, जैसे कि स्वर हमारे जितने भी हमारी मात्रा होती हैं ये हमारे बाद में ही लगानी है हमको। उसके बाद शब्द चिन्ह के, शब्द चिन्ह एक्चुअल में होता क्या है, और आंकड़े की भी बात करूँ तो आंकड़े होते क्या है। उसके बाद वाक्यांश, तो वाक्यांश का भी जिक्र करेंगे एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद आते हैं हमारी नकल के, नकल क्या है मतलब किस तरीके से हमको नकल करनी है। तो अब इस सब को मैं रफ कर रहा हूँ और वर्णमाला का अब डिस्कशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। अच्छा,
वर्णमाला, वर्णमाला होती क्या है? जैसे अगर मैं वर्णमाला की बात कहूँ तो हमने बचपन में सीखा होगा ये काखा गागा, जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये होता क्या है अब, जो कि हमारे जैसे काखा गागा, ये हमारे जो है अगर एक तरफ से देखा जाए तो सीरियल वाइज हम इनको लिखते चले जाते हैं, बट अगर मैं शॉर्ट हैंड में बात करूँ तो इसी को हमारा ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है कि किस तरीके से इनको लिखना है ग्रुप वाइज, तो वही हम डिस्कशन करेंगे। जो कि सबसे पहला हमारा आता है का वर्ग, कावर आया, उसके बाद आता है हमारा चा वर्ग। ये वर्ग क्या होते हैं अभी हम देखेंगे इसमें के किस तरीके से, मतलब इसके अंदर कौन कौन से हमारे व्यंजन आने वाले हैं। चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, इसके बाद आता है हमारा पा वर्ग हो गया, और उसके बाद आता है हमारा ता वर्ग। ये सारे हम देखने वाले किस तरीके से बात करता है। अब इन सब के बारे में भी एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ शॉर्ट में, ताकि इसको डिटेल में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा व्यंजन किसके अंडर आएगा और किस तरीके से हमको बनाना है डायरेक्शन वाइज। जैसे अगर मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको जैसा कि पता है जो इसकी डायरेक्शन है 180 के आसपास होती है, 180, तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड बनते हैं हमारे कावर्ग कहलाते हैं, जो कि हमारे कावर्ग के अंदर आने वाले वो सारे। अब अगर इसी में मैं ये 60 डिग्री के आसपास अगर मैं कोई एंगल ये लाइन ड्रॉ करता हूँ तो होता है हमारा चावर्ग। इसको भी हम देखेंगे क्या होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ चावर्ग क्या होता है, इसके अंदर कौन सा आने वाला है। और इसके बाद आता है हमारा 90 डिग्री पे, सॉरी 90 डिग्री पर बनता है हमारा टावर्ग। और अगर मैं कोई लाइन इधर से वो कर दूं यार थोड़ी, पावर्ग, इसको बोलेंगे हम पावर्ग। अब आते हैं हमारी कर्व की बात, जो कि हमारा तावर्ग होता है। तावर्ग कैसे, इसको बोलते हैं हम तावर्ग, इसको बोलते हैं हम मा बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम ना। अभी एक एक करके इन सब की डायरेक्शन के बारे में इधर देखेंगे, फिलहाल ये छोटा सा कर्व बनाया हुआ है कि इसको मतलब होता क्या है। अब इसको बोलते हैं हम ला, इसको बोलते हैं रा, इसको बोलते हैं हम सा, और इसको बोलते हैं हम सा। अब ये दो सा कैसे हुए और दो ता कैसे हुए, इसको भी हम ता बोलते हैं, ता वर्ग। इन सब का यूज़ अभी धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरीके से हम दोनों का यूज़ करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर मैं कोई एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको हम बोलते हैं 180 की जो हमारी मतलब एंगल बनता है इस लाइन पर, इस लाइन पर जो भी हमारा वर्ग बनेगा उसको हम का वर्ग बोलते हैं। और अगर 60 डिग्री के आसपास मैं कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसके अंडर आता हमारा चा वर्ग, और उसके बाद आता हमारा टा वर्ग, जो कि हमारा 90 डिग्री पर होता है, और उसके बाद 120 डिग्री के आसपास हमारा पा वर्ग होता है। अब इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है डायरेक्शन वाइज। अगर मैं कावर्ग की बात करूँ, कावर्ग जैसा कि मैंने बताया, अगर मैं इस तरीके से कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो कि मैंने बताया था 180 डिग्री के आसपास हमारी लाइन ड्रॉ होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट होनी है।
लेफ्ट टू राइट जिस तरीके से मैंने खींचा है। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब भी हमको ये व्यंजन ड्रॉ करने हैं, इसमें लाइट और डार्क का भी हमें पता होना चाहिए कि लाइट में क्या कौन सा व्यंजन बनता है और डार्क में कौन सा बनता है, ये भी हम सारा देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ का की, अगर हम का ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमारा पेंसिल से बनाना है, ना कि पेन से, पेन यूज़ नहीं करना, हल्के हाथ से। अगर मैं 180 डिग्री की डायरेक्शन में अगर मैं ड्रॉ करता हूँ उसको हम का बोलते हैं। अगर बात करें इसकी, अगर इसी का को मैं काट दूँ तो ये हमारा हो जाता है खा, ये हो जाता है हमारा का, ये हो जाता है हमारा खा, का खा। जैसे मैंने बोला था का वर्ग, हम इसे का वर्ग क्यों कहते हैं, धीरे धीरे वो आपको समझ आने लगेगा कि इसको हमने वर्ग में क्यों रखा हुआ है। जैसे कि मैंने इसको लाइट ड्रॉ किया तो ये का हो गया। अब का जो है, का के बाद अगर मैं साउंड देखूँ का और खा, तो हल्का सा साउंड का फ़र्क होता है हमारा, जो कि का को काट के हमारा खा बना, क्योंकि हमारा का जो है लाइट होता है और हल्का सा साउंड इसमें भारी हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको काटा हुआ है जब इसको हम खा पढ़ते हैं। अब खा के बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो गा, गा जो है हमारा डार्क बनेगा हमेशा, गा जो है डार्क बनेगा, क्योंकि अगर बात इसकी सारी की सारी साउंड के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे मैंने का को काट के खा बनाया, हल्का सा साउंड का फ़र्क आया, उसके बाद खा के बाद में मैंने बोला गा, ये जो मैंने डार्क लाइन ड्रॉ करी है इसका मतलब होता है हमारा गा। और खा के बाद में अगर साउंड के रूप में अगर आप इसे बोलोगे तो इसमें गा, खा और गा, हल्का सा साउंड का फ़र्क आता है, इस वजह से हम इसको डार्क बनाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बार का को काट चुके हैं तो दोबारा नहीं काट सकते, इस वजह से मैंने इसको डार्क ड्रॉ किया है अकॉर्डिंग टू साउंड। अगर आप बोल कर देखोगे तो उसमें आपको क्लियर दिख जाएगा कि हाँ साउंड का फ़र्क आता है। अब इसी गा को अगर मैं काट देता हूँ तो वो हो जाता है हमारा घा, देखिए हो गया हमारा घा। अगर आप देखो घा के बारे में, जैसे हमने एक एक करके काखा गागा पढ़ा, अब गा के बारे में बाद में आता हमारा घा, गा और घा, तो हल्का सा साउंड का फ़र्क हुआ। अब आप इसको एक बार अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हो, क्योंकि आपने जो है वर्णमाला पहले ही सीखी हुई है, इस वजह से हमने इसको जो है का वर्ग में रखा हुआ है, इसी को हम का वर्ग बोलते हैं, जो कि का के साउंड के ऊपर सारे के सारे डिपेंड होते हैं हमारे। जैसे का खा गागा ये हमने बोल दिया, ठीक है, इसी को हम का वर्ग बोलते हैं, साउंड इसका ऐसे ही साउंड के ऊपर सारा डिपेंड होता है। जैसे मैंने का को बनाया था तो लाइट ड्रॉ किया था, जो कि हल्के हाथ से पेंसिल से खींचना है, ठीक है। उसके बाद का को काटने के बाद हमारा बना है खा, इसी खा को अब हम दोबारा नहीं काट सकते, तो अगर नेक्स्ट आता हमारा गा, इस वजह से हमने इसको डार्क ड्रॉ किया है, इसी गा को मैंने जो है काट दिया, तो ये हमारा हो गया घा। तो आपस में क्या है, अगर मैं देखूँ तो ये साउंड इसके ऊपर डिपेंड है और ये इसके ऊपर डिपेंड है, देखा जाए तो, इस वजह से हमको इसको का वर्ग बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता हमारा चावर्ग। चावर्ग के बारे में जैसे मैंने बताया होगा कि इसकी जो डायरेक्शन होती है अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ होती है। जैसे इस तरीके से अगर मैं 60 डिग्री के आसपास कोई व्यंजन, कोई लाइन खींच देता हूँ तो इसको पढ़ते हैं हम चा, और इसकी जो डायरेक्शन होती है इस तरीके से होती है। इसको हम ऊपर नीचे से ऊपर की ओर नहीं बना सकते, ऊपर से नीचे की ओर हमको बनाना, जिस तरीके से हम कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं तो इसको पढ़ते हैं हम चा। इसका भी सेम ये रूल है कि इसको भी हमको लाइट ड्रॉ करना है। अगर इसी चा को मैं काट दूँ, तो हमारा हो गया छ, क्योंकि चा के साउंड के बाद हमारा छ आ रहा है। अगर आप इसको बोलोगे चा और छ, हल्का सा साउंड का फर्क आया, बोला, नाइस। यहाँ ऑफलाइन में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिखाया जाएगा अभी, तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन देखिए, देन ऑफलाइन भी दिखाएंगे। जैसे चा को काट के हमारा छा बन गया, इसमें भी सेम साउंड का फ़र्क आ रहा है, जो कि हमने वर्णमाला बचपन में सीखी थी, लेकिन वो कैसे सीखी थी, हमने किसी को ग्रुप में नहीं डिवाइड किया था, उसमें डायरेक्टली सीरियल वाइज हमने सीखा था। अब उसी को हमने इसी में डिवाइड कर दिया ग्रुप में, कि चा के चा वर्ग के अंडर कौन सा आने वाला है, तो इस अकॉर्डिंग अब देखते हैं हम। जैसे चा को काट के हमने छा बनाया, ये हमारे दोनों लाइट में ही बनेंगे। अब जैसा मैंने बताया, अब छा को तो हमने एक बार काट दिया, अब इसको दोबारा नहीं काट सकते, इस वजह से छा के बाद जा पढ़ेंगे। जा, अब
इसमें भी हमारा साउंड का फर्क आया। कैसे? अब छा तक पढ़ लिया, चा छा ज, साउंड का फर्क आया। इस वजह से मैंने इसको डार्क ड्रॉ किया, ये हमारा डार्क बनना चाहिए ना कि लाइट, क्योंकि लाइट हमने चा को ऑलरेडी बना दिया है, तो इस वजह से गलती नहीं होनी चाहिए। जब भी पेंसिल से ड्रॉ करो तो उसका लाइट और डार्क का फर्क पता होना चाहिए। अब इसी जा को अगर मैं काट दूँ तो ये इसको पढ़ते हैं हम झा, और इसकी डायरेक्शन भी सेम वैसी है जैसे कि हमारी चा की है। अब आपको समझ आया होगा कि हमने इसको चावर क्यों बोला है, क्योंकि हमारे चा के साउंड से स्टार्ट होते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं ये बात करूँ तो चा और छा एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं, और जा और झा एक दूसरे से रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू साउंड। तो हमको कन्फ्यूज नहीं होना है कि किस तरीके से कौन सा लाइट बन रहा है कौन सा डार्क, एक दूसरे से सेम रिलेट करते हैं। हर किसी में पहला दूसरा लाइट होता है, तीसरा और चौथा हमारा डार्क होता है। पहले को हम लाइट कहते हैं, दूसरे को काटते हैं, तीसरे को डार्क कहते हैं, चौथे को काटते हैं। इस तरीके से हमारे ये वर्क जो है डिपेंड होते हैं सारे। अब टा वर्क की बात करूँ, जैसे हमारा टा होता है हमारा 90 डिग्री के आसपास, इसकी क्या होती है अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ। देखो इस तरीके से ये जो एरो का साइन है, हमको इस डायरेक्शन में हमेशा जो है ये लाइन ड्रॉ करनी है, और वो भी लाइट में। इसको पढ़ते हैं हम टा, अगर इसी टा को अगर मैं काट दूं तो था पढ़ते। था पढ़ दिया, टा और ठा। अगर अब इसके नेक्स्ट क्या आता हमारा डा, क्योंकि हमने पहले टा को लाइट बनाया, उसके बाद टा को काटा तो हमारा ठा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हल्का सा साउंड का फर्क हो रहा है हमारा। अब ये तो हमारा एक बार हमने काट दिया है, अभी से दोबारा नहीं काट सकते। इस वजह से इसके नेक्स्ट वाले को देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ करना है, जैसे कि ठा ड। ये हो गया हमारा डा, जो कि हमें डार्क ड्रॉ करना है। अभी मैं इसको मार्कर से बता रहा हूँ, क्योंकि आई हैव नो अदर ऑप्शन कि हाँ पेंसिल से इस पर चला पाऊँ। पेंसिल इस पर चल नहीं सकती, बट कॉपी में चल सकती है, वो भी दिखा दूंगा। तो इसका भी लाइट और उसका डार्क का हमें फ़र्क देखना है। जैसे हमारा डा हमारा डार्क बनाना है, और डा को काटने के बाद ढा बनता है हमारा। इस तरीके से डा को काट के मारा हो गया ढा। अगर आप इसे बोलते हो तो बोलने पर आपके साउंड एक साउंड जनरेट होता है, जैसे कि ट ठ ड और ढ। तो हल्का हल्का क्या है हमारा साउंड के ऊपर डिपेंड होता है सारा का सारा। तो इसमें कन्फ्यूज होने बात नहीं है। जैसे शुरू में दो लाइट बनने थे और लास्ट के दो डार्क बनने थे, पहले को लाइट बनाया दूसरे को ही काट दिया। अब देखो इसमें भी पहले को बनाया दूसरे को काट दिया, फिर तीसरे को बनाया चौथे को काट दिया अकॉर्डिंग टू साउंड। अब ये हो गया हमारा टावर कंप्लीट हो गया। अब पावर पे आते हैं कि पावर कैसे बनता है। जैसे इसकी डायरेक्शन क्या होती है अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इस तरीके से। कोई लाइन अगर मैं अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ अगर ड्रॉ कर देता हूँ, उसको हम पा पढ़ते हैं, जो कि इस तरीके से लाइट में बनाना है। अगर इसी पा को अगर मैं काट दूँ, तो इसको पढ़ते हैं हम पा, और इसकी डायरेक्शन भी सेम वैसी होती है। बस ध्यान रखना है कि इसको काटना है, क्योंकि हमारा पहला लाइट बनता है उसी को काट के दूसरा बनता है पा फा। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो बा, इसको अब नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा बा, डार्क बनाना है। इसको पढ़ेंगे हम बा, जो कि इसकी भी सेम डायरेक्शन अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ होती है। ये हमारा 120 के आसपास ड्रॉ होता है। अब इसी बा को अगर मैं काट देता हूँ तो हो जाता है हमारा भा। इसमें भी सेम अगर मैं बात करूँ तो साउंड का फर्क आ रहा है। साउंड का कैसे? जैसे कि हम सब में देखते आ रहे थे, फर्स्ट हमारा लाइट बनता है उसी को काट के सेकंड बनता है, फिर थर्ड को हम डार्क बना रहे थे क्योंकि सेकंड को हम दोबारा नहीं काट सकते। इस वजह से हमने थर्ड को ड्रॉ किया है, जो कि डार्क करना है। फिर उसी थर्ड को काटने के बाद चौथा बनना है, ठीक है ना? जैसे पा फा और बा और भा। अगर आप इसको घर पे भी अगर प्रैक्टिस करते हो बोलने की, तो इसमें साउंड का फर्क आता है हमारा। इसके बाद आता हमारा ता वर्ग।
ये हमारा कर्व शेप में बनता है और इसकी डायरेक्शन हमेशा ऐसे ही होनी है। ता ये हमारा हम इसको राइट में भी बनाते हो लेफ्ट में भी, ये हमारे अकॉर्डिंग टू शब्द पे डिपेंड होता है कि किस तरीके से हमको ड्रॉ करना है, और ये हमेशा लाइट बनाना है। अब इसी ता को अगर मैं काट दूँ तो था बनता है। ये हो गया हमारा ता, ये हो गया हमारा था। इसकी भी सेम डायरेक्शन, ता को काटा हमारा था हो गया। अब था को हम दोबारा नहीं काट सकते, इस वजह से नेक्स्ट हमें डार्क ड्रॉ करना पड़ेगा, जैसे द। ये लेफ्ट और राइट हमारा, अब आप ये सोचे होंगे किस तरीके से मतलब एक ही व्यंजन के दो दो मतलब ये कर्व दिए हुए हैं, तो ये हमेशा शब्द के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से लिखना है। मेनली क्या होता है हमारा कि जब भी हम कोई भी आउटलाइन बनाते हैं तो हमारा हैंड नहीं घूमना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे लेफ्ट राइट हमारे ये जो है डिसाइड किए गई है। अगर जहाँ मुझे लेफ्ट की ज़रूरत होगी मैं लेफ्ट वाला यूज़ करूँगा और राइट, जिससे कि हमारी आउटलाइन ना बिगड़ने पाए और हमें ध्यान रहे। ये हो गया हमारा दा, जो कि दा हमने जो है डार्क बनाया था। अब इसी दा को काट दूँ तो धा पड़ते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ग होते हैं हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो कि हमारे वर्ग में नहीं होते हैं उनको कैसे लिखना है, अब इनको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ मैं किस तरीके से हमको लिखना है। जैसे हमारे का वर्ग, का वर्ग के अंदर जो भी का से रिलेटेड साउंड होगा उसके यहाँ पे लिख दो, जिससे कि आपको कन्फ्यूज ना होने पाए कि हाँ इसकी डायरेक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी। ये सारा का सारा साउंड पर डिपेंड करेगा, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे का हमारा सबसे हल्का होता है, इस वजह से हमने इसको हल्का लाइट में ड्रॉ किया, जो कि 180 डिग्री इसकी जो है डायरेक्शन थी। और उसके बाद का को काट के हमने खा बनाया, क्योंकि ये भी हमारा साउंड के ऊपर डिपेंड करता था। अब इसको दोबारा नहीं काट सकते थे, इसके बाद हमारा गा आया, गा को हमने डार्क बनाया। अब इसी गा को जब हमने काटा तो हमारा घा बन गया। इसके बाद चावर गाया, टावर गाया, ये सारे के सारे हमारे साउंड पर डिपेंड करते हैं। अब इसका जो बेसिक सा मतलब एक रूल है कि जिस डायरेक्शन में जो भी व्यंजन हमारा डिफाइन किया हुआ है उसी सेम डायरेक्शन में हमको सब ड्रॉ करने हैं। ऐसे नहीं, अगर मैं का वर्ग की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन जो है मैंने बनाई थी 180 डिग्री में। अब ये नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे बना रहे हो इस तरीके से, ये गलत हो जाएगा। और अगर मैं चावर्ग की बात करूँ, इसकी ये डायरेक्शन होती है हमारी ऐसे, इसको हम ऐसे नहीं बना सकते, ऊपर नीचे से ऊपर की साइड इसको ड्रॉ नहीं करना है, तो गलत हो जाएगा। तो जिसकी जो डायरेक्शन है उसी अकॉर्डिंग हमको ड्रॉ करना है। तो जो वर्क से अलग है अब उनको हम देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। अब जो हमारे वर्क से डिफरेंट है, जैसे या या रा, ला और वा। या जो है हमारा, अगर हमने जो है बचपन में देखा होगा, अब तक भी देखते आए कि जब भी हमारा कोई टीचर कॉपी चेक करता है तो वो हमेशा राइट ऐसे करता है, इस तरीके से हमको राइट करता है, कॉपियों को मतलब राइट मारते हैं, इसी राइट को हम वाह कर पढ़ते हैं। जैसे इसकी डायरेक्शन ऐसी होनी है हमेशा, इस डायरेक्शन में इसको हमेशा ड्रॉ करना है, ना कि ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे गलत हो जाएगा, इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। अब इसी को अपोजिट कर दो हमारा या, जैसे हमारा राइट का सिंबल हमारा वाह को डिफाइन करता है उसी का अपोजिट या, इसके भी सिंबल डायरेक्शन हमारी ऐसी होनी है या की। अब बात करते हैं हमारी रा की। अगर 45 डिग्री के आसपास मैं कोई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वो भी डाउनवर्ड टू अपवर्ड की तरफ, तो हमारा इसको रा पढ़ते हैं, और एक रा हमारा इस तरीके से बनता है डाउनवर्ड की तरफ, इस तरीके से। अब आपके मतलब मन में कन्फ्यूजन ये होगी कि चा वर्ग भी तो हमारा इस तरीके से बन रहा था, बन रहा था, लेकिन उसकी एक कंडीशन थी कि हमारा 60 डिग्री के आसपास हम उसको ड्रॉ कर रहे थे, बट अपवर्ड टू डाउनवर्ड की तरफ उसकी डायरेक्शन थी। जैसे हम इस तरीके से चावर्क को जो है
ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन मैंने राह की बात करी है, राह की डायरेक्शन देखी है किस तरीके से है, वो चाह से थोड़ा सा डाउन है और डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ हम इसको बना रहे, तो हमारा राह हो गया। दो तरीके से हम इसको बनाते हैं, आगे देखते हैं किस तरीके से। अब आता हमारा ला, ला जो है हमारा इस तरीके से बनाना है और एक इस तरीके से, दोनों तरीके से हमारा ला बन सकता है। अब आता है हमारा हा, सिक्स और नाइन, उनका जो मतलब डायरेक्शन है थोड़ी सी डाउन कर दो तो हमारे हा पड़े जाते हैं। इस तरीके से हमको हा ड्रॉ करना है। अब उसके बाद पढ़ते हैं माँ, माँ जो हमको बनाना है इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से बनाना है हमको, ना कि उल्टा ऐसे बनाना है, ये गलत है, ये सही है, ये हमारी डायरेक्शन होती है, इस तरीके से माँ बनाते हैं। अब अगर अब देखते हम ना, क्या ना को कैसे बनाते, जैसे ना होता हमारा इस तरीके से, इसकी डायरेक्शन ऐसे ही होनी है, इस तरीके से बनाना है। अगर मैं माँ को काट देता हूँ तो ये ना पढ़ा जाएगा, ना व्यंजन को काट दिया तो ये माँ पढ़ा जाएगा, ये हो गए हमारे सारे के सारे व्यंजन के, हाँ किसकी डायरेक्शन किस ओर बनती है। अभी दो चार और बता रहा हूँ कि किस तरीके से वो बनाने हैं, जैसा कि इसी में बता देता हूँ। अगर ड़ा आ जाए पढ़ने के लिए, जो कि हमारे डा डमरू के नीचे बिंदी होती है, अब ये जो डा डमरू के नीचे बिंदी होती है, अगर मैं रा को काट देता हूँ तो इसको ये पढ़ा जाता है,